हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोहित एमएलटी। आज हम बात करने वाले हैं सीबीसी के बारे में, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये हमारे पास अरवा कंपनी की सेमी ऑटो हीमेटोलॉजी एनालाइजर है। H560 ये हमारे पास सेल काउंटर है अरवा कंपनी का। इसमें हम आपको सीबीसी को कैसे रन करते हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपडेट होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये हमारे पास ब्लड मिक्सर का एनालाइजर है। इस पर हमारा ये EDTA सैंपल है, ब्लड मिक्स हो रहा है इस पर। ये हमारा पूरा सैंपल रेडी हो चुका है। इस सैंपल को हम अपने सेमी हीमेटोलॉजी एनालाइजर में कैसे रन करेंगे हम इस वीडियो में बताएंगे। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा सैंपल बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलते हैं अपने सेल काउंटर की ओर। ये यहाँ पर ये निडिल लगी हुई है, इस निडिल के माध्यम से हमें प्रेस करना है, इस बटन के माध्यम से हमें प्रेस करना है, और इस निडिल के माध्यम से हमारा सीबीसी सैंपल को ये सक करेगा। 25 माइक्रोलीटर सैंपल को सक करके हमारा जो भी रिजल्ट आएगा 1 मिनट के अंदर ये हमारा रिजल्ट मशीन में आ जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपना जो भी पेशेंट की हमारी आईडी है, उस पेशेंट की आईडी को हमें इसमें एडिट करना है। जो भी हमारा सीरियल नंबर है उसका नाम, पेशेंट का नाम, एज और डॉक्टर नेम भी हम इसमें कर सकते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा माउस लगा हुआ, माउस के माध्यम से हमें अपनी आईडी को सेव करेंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा ये मोड एंड आईडी पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सैंपल आईडी मांग रहा है। सैंपल आईडी को एडिट करने के बाद हमारा जो भी सीरियल नंबर है हम उसको एडिट करेंगे। हमारा 75 सीरियल नंबर है तो 75 को हमें डाल के इसमें एडिट कर देना है। जो भी हमारा सीरियल नंबर हमने एडिट कर दिया है, जो भी हमें सैंपल को रन करना है हमारा नीचे ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। सो होने के बाद ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी मशीन में ये ग्रीन कलर की लाइट जो है वो शो हो रही है। तो हमारा जो भी सेल काउंटर है हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसके माध्यम निडिल के माध्यम से हम अपने सैंपल को सक कराएंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी मशीन बिल्कुल रेडी है। रेडी होने के बाद हमें सैंपल को ऐसे पुश करना है और हमारे जो भी ये सेंसर है उसको सेंसर को क्लिक कर देना। सेंसर को क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक ही हमारे सैंपल को ले लेगा। हमारे ब्लड सैंपल को सक कर लिया है मशीन ने। मशीन में अभी 1 मिनट की टाइमिंग के बाद हमारा जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पर शो हो जाएगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा रिजल्ट आ चुका है। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।